close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हमारा चैनल प्रैक्टिकल मंत्रा, और आज मैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे तो बात नहीं करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स. एक्चुअली क्या है कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, और मैं अभी आज का वीडियो एक यूट्यूबर के नाम पे बनाना चाह रहा हूँ. दैट मीन्स कि मैं उसे आज थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ. बिकम यूट्यूबर एक चैनल है जो दया शंकर जी चला रहे हैं लखनऊ से. मैं उनके चैनल हमेशा देखता हूँ, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ. हाई बिकम यूट्यूबर जी, मैं हूँ हरी और मैं हूँ झारखंड से, और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी वीडियोस मैं हमेशा देखता हूँ. और जो एक गांव का एक दृश्य जो आपने एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आपने प्रेजेंट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बिकॉज कि मैं भी एक गाँव से हूँ, और मैंने आपका वीडियोज़ देखा जिस तरह की आप गाँव के हर एक दृश्य को एक अच्छे से दिखाते हो. साथ आपने जो है अपनी वीडियोस के माध्यम से अपनी अर्निंग्स भी बताई थी, तो एक तरह से आप जो है मैं बोलना चाहूँगा कि आप सारे गांव वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक हो. बिकॉज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में भी जो घर में रहकर भी बेरोजगार हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणादायक हो कि मैं उनसे बहुत सारे ऐसे गांव वाले हमसे मिले जो जिन्होंने कहा कि आप कृपया हमारे एक संदेश आप तक पहुँचा दें. तो मैं आज एक वीडियो कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको आगे कुछ दिखाऊंगा, कुछ लोगों से मिलाऊंगा जो आपका चैनल हमेशा देखते हैं, और आपको जो है थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो है यूट्यूब चैनल नहीं है. तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि वो सब झारखंड से हैं, तो मैं चाहता था कि उनकी सारी बातें आप तक पहुँचे. तो कुछ देर बाद मैं आपको उन सारे लोगों से भी मिलाऊँगा. तो सबसे पहले मैं आपको इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकम यूट्यूबर जी, बिकॉज कि आपने एक मिसाल कायम की है सभी लोगों के सामने कि पढ़ाई करते हुए, जैसा कि आपने बताया कि आपको जो है कॉलेज भी जाना होता है, और शाम में और टाइम निकाल कर आप अपना यूट्यूब वीडियोस भी डालते हो, जो भी कुछ ऐसे बनाते हो बहुत ही अच्छी वीडियोस होती हैं आपकी, और आपका हमेशा मुस्कुराता चेहरा जो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो एक बहुत बड़ी बात है. मैंने आपसे सीखा है दया शंकर जी, हमेशा मुस्कुराते रहना. आप जिस तरह की किसी भी हालत हो चाहे कुछ भी हो, आपकी हर एक वीडियो में आपकी एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल जरूर मिलती है, और एक जो बाल आप जो हमेशा इसी किसी करते रहते हो बहुत ही, ये तो बहुत ही हमारे जितने भी मैंने आपको फॉलोअर्स आपके दिखाए, अब ये जो हमको लगता है कि आपके सारे फॉलोअर्स ये आपकी कॉपी जरूर करते हैं. तो आपने एक यूनिकनेस प्रेजेंट किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में. मैं आशा करूंगा कि आप अब पूरे भारत देश को, पूरे लखनऊ को आप प्रेजेंट करो. अब मैं कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहूंगा जो आपसे बहुत ही इंस्पायर हुए, और उन्होंने कहा कि आप तक मैं अपना संदेश पहुंचा दूं, क्योंकि वो अपना यूट्यूब चैनल उनका है नहीं, तो मैंने सोचा कि उनका एक वीडियोस मैं बनाता हूं और आप तक पहुंचा देता हूं. तो चलिए मैं मिलाता हूं कुछ ऐसे लोगों से. हेलो बिकम यूट्यूबर जी, ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हो ये सारे जो आपको फॉलो करते हैं. मैं आपको इंट्रोड्यूस बारी बारी से कराता हूँ, ये सभी जो आपका चैनल देखते हैं, और इन्होंने कहा कि हमारा तो एक यूट्यूब चैनल नहीं है, तो किसी जरिए इनको इनकी बात जो है आप तक पहुँचानी थी. तो मैं आपको बारी बारी से मिलाता हूँ. ये जो आपके बालों को अभी संवार रहे थे, इनका नाम है, आपका नाम क्या है? रबुल अंसारी है, अभी झारखंड के रहने वाले हैं. और आपका क्या नाम है भैया? राकेश कुमार. मेरा नाम राकेश कुमार है. मेरा राजकुमार. मेरा नाम प्रेम. इनका नाम प्रेम है जो पीछे खड़े हैं. मेरे साइड में जो खड़े हैं उनका पिंटू रॉय नाम है. ये सभी चैनल देखते हैं. इनके बारे में आपको क्या अच्छा लगती है? आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे. इन सभी लोगों का यही कहना है कि आपका जो कंटेंट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, और साथ ही साथ जो आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और एक इनोसेंट भाव से जो आप अपनी वीडियोस वगैरह डालते हो, ये सभी को अच्छा लगता है, और इन सभी की दुआएं आपके साथ हैं. और आप जो है इसी तरह अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करते रहिए, और इसी तरह हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. धन्यवाद दया शंकर जी. ये थी जो मैंने कुछ लोगों से आपको मिलाया जो कि बहुत ही
इंस्पायर हुए आपसे और बहुत ही हतोत्साहित थे आपसे मिलने के लिए। तो मैंने आपकी सारी वीडियोस उनको दिखाई और साथ ही साथ मैंने कहा कि उनकी वीडियोस को आप फॉलो करती रहिए, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। और उन्होंने कहा कि हाँ, एक रोज़गार हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिल सकता है। तो मैं फिर से उन सभी और लोगों की ओर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से पूछा था हमसे कि आपकी जो एक्टिवा 4G आपको लेनी है कि या एक्टिवा लेनी है कि कौन सी आपका आप स्कूटी लेने के लिए सोच रहे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे एक स्कूटी है, तो मैंने इसे कुछ दिन मतलब यही 6 मंथ बिफोर ही खरीदा था। ये एक्टिवा 4G है, 5G तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा दया शंकर जी। और आपसे एक अटैचमेंट का सबसे बड़ा बात यह है कि आपका नाम दया शंकर है और मेरा नाम हरी शंकर है, बस फर्स्ट लेटर का ही एक अंतर है। मैं हरी शंकर हूँ और आप दया शंकर हो। तो सावन का महीना भी चल रहा है, भोलेनाथ का भी दिन है, तो इसलिए आपसे थोड़ा अटैचमेंट है और साथ ही साथ मैं आपके वीडियोस को फॉलो भी करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था स्कूटी की, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे स्कूटी है और ये एक्टिवा 4G है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवा है 4G। तो फ्रेंड दया शंकर जी, आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये होंडा एक्टिवा 4G बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही है। और साथ ही साथ हमारे जो एक्टिवा मैंने स्कूटी खरीदा है बहुत ही अच्छी है, स्कूटी चल रही है, इसकी माइलेज भी अच्छी है, सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है, इसके कस्टमर केयर भी बहुत अच्छे हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आपको ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए, बिकॉज की ये हैंडलिंग में भी सुविधाजनक है और बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही साथ आप देख रहे हो इसके अंदर एक डिक्की भी है, इस तरह से है और इस तरह की हैंडलिंग भी बहुत ईजी होती है, इसका जो ये लुक है बहुत ही अच्छा है। तो ये एक्टिवा 4G है, एक्टिवा 5G अभी जो आई है वो और भी बेटर हो चुकी है। तो आई सजेस्ट यू कि आप खरीद लो, ठीक है दया शंकर जी। तो